हेलो हाय फ्रेंड्स, जीएस स्पोर्ट्स क्लब में आपको स्वागत है। मैं आपको जो है मैंने जो है अभी शॉर्ट पुट की जो है मैं टेक्निक लेकर चल रहा हूँ और उसमें मैंने जो है आपको हाफ राउंड, क्वार्टर राउंड और स्टैंडिंग थ्रो सारी बता दी। तो उसमें जो है बच्चों का कुछ कमेंट है कि बोले जब ये हमारा राइट फुट जो होता है, जो हमारा स्वीप लेग है, ये सेंटर में आकर जो गिरती है उसके बाद जो है उस पर जो है मतलब बॉडी कैसे टर्न होती है, पैर की लैंडिंग क्या होती है, वो उस चीज़ के बारे में बताऊँगा। तो इसमें क्या है, मैंने यहाँ तक बता दिया एंड ये एंट्री तो इसका ये है। जब हम यहाँ से अंदर जाएंगे जो लैग जाती है हमारी, हूँ इसके बारे में बताऊँगा आदमी इसके बारे में। तो इसमें जो है जनरली बच्चे गलती, दो तीन गलती करते हैं बच्चे। एक तो जब यहाँ से घूमेंगे, जब यहाँ से जाते हैं ऐसे, तो एक ये गलती करते हैं कि जब यहाँ टर्न होते हैं तो पैर अंदर की तरफ मोड़ लेते हैं, ये फॉल्ट है अंदर ऐसे ये चला जाता है। फिर उसकी वजह से क्या होता है कि बॉडी ऐसे गलती अंदर सेंटर तक गिरती है, फिर पैर बाहर से नहीं आ पाता। तो उसके लिए क्या है कि हम जब यहाँ से निकलेंगे तो हमें ये इधर रखनी नहीं अपनी बाहर की तरफ, और जो पैर आएगा बाहर से निकल कर आएगा ऐसे, ठीक है। उसके लिए क्या करेंगे हम, उसके लिए हम ड्रिल लगाएंगे, क्या यहाँ से बार बार घूमेंगे ऐसे और पैर बाहर ले आएंगे, यहाँ पैर अंदर लेकर लेके नहीं आएंगे, पहले ड्रिल मारेंगे ये बार बार बाहर पैर लेकर आएंगे बार बार, यहाँ से निकलेंगे ऐसे ले जाएंगे, ये पाँव यहाँ आएगा बाहर और ये पैर इसे ऐसे रहेगा, हाथ यहाँ रहेगा और हाथ में स्ट्रेस लंबी रहेगी, मैंने बता रखी है, ये पैर यहाँ आएगा बार बार, ये अंदर लेके नहीं जाना। अगर अंदर लेके जाएंगे तो इसमें क्या है, बॉडी गिरेगी और जो है हम जो हमारा ये हिप होता है और जो नी होता है वेट नहीं रुकेगा, बॉडी पीछे तरफ गिरेगी, थ्रो नहीं हो पाएगी, पहला फॉल्ट ये है। दूसरा क्या होता है, अब घूमने के बाद आती है आगे, जब यहाँ से हम टर्न लेते हैं तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि पैर पे रहती हैं, कि पैर डला पंजा, उसके बाद कि पिछली जो लेग है हमारी, जो बैक ये जो हमारी लेफ्ट लेग होती है, इसको डायरेक्ट पीछे निकाल देते हैं ऐसे, उससे बॉडी गिरती है, ये दूसरा फॉल्ट है। इसमें क्या है कि हम यहाँ चलेंगे, ये हम चले पैर बाहर से आए चले, हमें ये जो हमारा वेट रहेगा वो इस पे रहेगा और हमारे जो पैर का जो अगला टो है, हमारी बॉल है उस पे रहेगा, पैर की बॉल पे। तो वेट यहाँ और यहाँ रहेगा इस तरीके से, वेट ये नहीं है कि पाँव के ऊपर खड़े हो गए ऐसे, तो नी हल्की सी बैंड रहेगी और वेट जो रहेगा यहाँ रहेगा इस तरीके से। और फिर हम क्या करेंगे, हिप के साथ घूमेंगे, जो हमारा हिप बट है इसके साथ घूमेंगे, पैर के साथ इस तरीके टर्न मारेंगे इस तरीके से। तो ये दो फॉल्ट रहते हैं जो मेन रहते हैं, जो बच्चे ये कहते हैं कि बॉडी गिर रही है, फंसती नहीं, या बॉडी जो है ज़्यादा घूम जाती है, हाथ अंदर की तरफ चला जाता है, ये सारी कमी इस वजह से रहती है। तो ये मैंने जो बताया है, इसके लिए हम क्या करेंगे, मैंने पहले बताया कि पाँव सीखा नहीं, पैर बाहर रोकेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, हम जैसे यहाँ से घूमते हैं इस तरह से, हाथ अंदर आ गया तो पैर घुमा के लाते हैं यहाँ, तो ये बार बार हम बनाएंगे इस तरीके से, ये आगे यहाँ बनाएंगे और इससे जो है अपनी बॉडी खींचेंगे आगे की तरफ, हाथ यहाँ रहेगा, इसे बार बार अपनी बॉडी को टर्न मारेंगे इसके साथ, जो मैंने बताया अभी इसके साथ टर्न मारेंगे, इसके साथ ये चलेगा पैर और ये दोनों साथ चलेंगे, ये हम टर्न मारेंगे पैर पीछे जाएगा। कुछ बच्चे जो हैं जनरली क्या करते हैं कि पैर से जो घूमने की कोशिश करते हैं, पैर है हमारा पैर के ऊपर चलने को, पैर ऊपर पाँव पहले आ जाता है फिर बॉडी गिरती है पीछे। तो ये मेरा जो मुझे पर्पस है बताने का ये है कि यहाँ से टर्न जो लेंगे हम, वो हमारा पैर ये रखा है इसे, इसकी विध इसके लेंगे ये और हमारा ये बॉल पे घूमेंगे और इसके साथ घूमेंगे ये, तो हम इसका ये पैर पीछे जाएगा इस तरीके से। बहुत से बच्चों को ये बात समझ में नहीं आती है, तो आज जो था मुझे मेन जो है ये चीज़ सही करानी थी, इसके बारे में बताना। अभी भी अगर आपको समझ में नहीं आती पूछ सकते हैं, एक बार फिर से बता देता हूँ मैं दोनों चीज़ों को, कि जब यहाँ से हम चलेंगे, यहाँ से इस तरीके से, तो हमारा पैर अंदर जल्दी ना जाए, पैर बाहर से आए, उसके लिए हम क्या करेंगे, जब यहाँ से हम चलेंगे ये अंदर आएंगे पैर यहाँ आएगा, पैर बाहर लेके आएंगे यहाँ, जब पैर बाहर आएगा उसके बाद हम पैर बाहर से लाकर यहाँ रखेंगे और जो हमारा वेट रहेगा वो यहाँ और यहाँ रहेगा, इसके ऊपर खड़े नहीं होंगे हम, ऐसे यहाँ रहेगा और फिर हम जो बॉडी चलाएंगे इसके साथ चलाएंगे, ये चला के ऐसे पैर चलाएंगे पीछे, ठीक है। ये दो चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा काम की हैं, जिनकी वजह से बॉडी गिरती है, इधर भगती है उधर भगती है, इसे हम अगर सही कर लेंगे तो हमारी बॉडी अंदर बाहर नहीं गिरेगी और सही टेक्निक फंसेगी। बाकी जो अटैक है वो मैं अगली वीडियो में बताऊँगा, फिलहाल मैं ये चीज़ें जो मेरे पास कमेंट आए थे बच्चों की, ये हमारे समझ में नहीं आती, तो ये चीज़ मैंने आज ठीक कराई है, आशा करता हूँ आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद।